जिंजर गार्लिक के छोटे छोटे टुकड़े रेड चिली पाउडर टर्मेरिक पाउडर धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर सॉल्ट चिकन मसाला ग्रीन चिलीज़ तीन चार आप ग्रीन चिलीज़ अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं उसमें मैंने थोड़ी सी दही मिक्स की है और साबुत खड़े मसाले सो प्लीज़ टेल मी फ्रॉम विच सिटी विच कंट्री आर वॉचिंग माई रेसिपी सो दैट आई कैन से थैंक यू टू यू सो कॉमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए कि आप हमारे रेसिपीज़ कहाँ से देख रहे हैं अब मैंने सरसों के तेल को एक छोटे से पैन में डाल के उसे मैंने गरम कर लिया है और इस गरम सरसों के तेल को मैं अभी चिकन के ऊपर डाल दूंगी और चिकन को मैं अच्छी तरह से मैरिनेट कर लूंगी ताकि चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बने अब हम इसमें मिलाएंगे तीन चार गार्लिक बल्ब्स पूरी गार्लिक को हम लेने हैं और इन्हें मिक्स करना है क्योंकि ये चिकन दम पे पकेगा तो ये जो गार्लिक की खुशबू चिकन को एक दूसरे लेवल तक ले जाएगा मैरिनेशन के बाद चिकन को आप एक से दो घंटा ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाए और मैंने यहाँ पे बाद में थोड़ी सी लाल कश्मीरी चिली और मिलाई थी क्योंकि मुझे वो रंग चाहिए था मैरिनेशन स्टेज पे आप चेक कर लीजिए कि आपके नमक मसाले सब सही पड़े हैं इनकेस नहीं है तो आप ऐड कर लीजिए गरम तेल में मैंने ये साबुत गरम मसाले साथ में थोड़े से रेड चिली और गार्लिक को मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे फ्राई कर लिया है अब मैं मिला रही हूँ मैरिनेटेड चिकन इस डिश में आपको पानी नहीं डालना है हमने जो अनियन डाले हैं और मसाले डाले हैं उससे ही चिकन की तरी या ग्रेवी बन जाएगी ये चिकन दम पे पकने वाली है इसलिए मैं इसके लिड को आटे से सील कर रही हूँ ताकि कोई भी हवा बाहर ना जाए और चिकन अंदर से पके और बहुत ही अच्छी खुशबू उसमें बनी रहे हमें चिकन को लो फ्लेम पे एक घंटे तक पकाना है हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि चिकन नीचे लग ना जाए कि चिकन जल ना जाए इसलिए हर पंद्रह मिनट में आप अपने पतीले को इस तरह से हिला लीजिए ताकि वो अच्छी तरह से अंदर से मिक्स रहे और वो नीचे बर्तन के नीचे ना लगे अब चिकन अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है मैं धीरे से इसके सारे जो आटा है लगे हैं वो मैं निकाल लूँगी और फिर देखिए क्या बढ़िया रंग आया है और कितनी सुंदर और अच्छी तरह से ये चिकन पक चुका है अब इस चिकन को धनिया पत्ती से गार्निश कर लीजिए थोड़े ग्रीन चिली एक आध अगर आप डालना चाहे तो डाल दीजिए और थोड़े से गरम मसाले और उसे तीन चार मिनट के लिए और पका लीजिए ताकि उसकी खुशबू और बढ़ जाए तो आप झटपट इस रेसिपी को बना लीजिए और अपने फ़ैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और एक लाइक और कॉमेंट तो ज़रूर बनता है